हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक्स। दोस्तों, ऑनलाइन शॉपिंग तो आप जरूर करते होंगे, चाहे राशन मंगाना हो, फर्नीचर खरीदना हो, मोबाइल, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, कपड़े खरीदना हो, जूते खरीदना हो, दवाइयां खरीदना हो, या फिर खाना ऑर्डर करना हो, कैब ऑर्डर करना हो, आजकल सब कुछ फटाक से मोबाइल में ही हो जाता है, यानी कि ऑनलाइन ही हम ऑर्डर कर देते हैं। क्या ऐसी कोई चीज है इसके अलावा जो बड़ी अतरंगी हो और आपने ऑर्डर की हो, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि आज इसी से संबंधित एक स्कैम बताने वाले हैं आपको। आपने ऑनलाइन शॉपिंग को लेकर के तमाम सारे स्कैम्स देखे होंगे, मैंने भी कुछ वीडियोस बनाए हैं जहां पर सस्ते दामों में हाफिज आम बेचे जा रहे हैं, या फिर ड्राई फ्रूट्स को बेचा जा रहा है, या फिर कुछ नकली एयरपॉड्स या नकली फोन भी जो है ऑनलाइन डिलीवर करने का वादा किया जाता है, कार्डिंग की टेक्निक से भी स्कैम किया जाता है। ये सब मैं आपको पहले बता चुका हूं, लेकिन आज जो है आपको एक नई चीज बताने जा रहा हूं, जिसमें कि दो स्कैम सामने निकल करके आए हैं। एक तो मेरे गृह जनपद, गृह जिले रायबरेली से है। हाँ हाँ, वही रायबरेली जहां आलिया भाभी का झुमका गिरा था, जहां पर एक भाई साहब थे, उन्होंने ऑनलाइन भैंस ऑर्डर कर दी। जब वो भैंस वहां पर नहीं पहुंची, तब उनको पता चला कि भाई हमारे साथ तो स्कैम हो गया। दरअसल हुआ क्या, वो एक ऑनलाइन वीडियो देख रहे थे, उसमें एक भैंस का प्रेजेंटेशन दिया गया, बताया गया कि देखिए ये इतनी अच्छी भैंस है, बिकाऊ है। शुभम नाम का एक बिजनेसमैन है जो कि जयपुर का है, उसने बढ़िया सा यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, कुछ विज्ञापन भी वो चला रहा है, अच्छी अच्छी भैंसों को दिखाया जाता है और बताया जाता है कि दिन में 18 लीटर दूध देने वाली यह भैंस है और 55,000 रुपए इसकी कीमत है। अब इन वीडियो और विज्ञापन को देखने के बाद रायबरेली के रहने वाले एक डेयरी फार्मर सुनील कुमार जो है वो इनके झांसे में आ जाते हैं। उनको लगता है यार बहुत सही चीज है यार, 55,000 रुपए में भैंस मिल जाएगी और वो भी घर बैठे डिलीवरी मिलने वाली है। ये सब खूबियां बताने के बाद एक वीडियो उनको भेजी जाती है और बताया जाता है यही वाली भैंस है, पहचान लेना ठीक से, यही आपके पास पहुंचेगी, कल पहुंचने वाली है, लेकिन आपको इसके लिए एडवांस पेमेंट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर सुनील कुमार क्या करते हैं, बहुत एक्साइटेड रहते हैं, 10,000 रुपए पटाक से उनको जो है ट्रांसफर कर देते हैं। अब हमारी आदत है ना, कोई भी चीज ऑनलाइन मिले और उसमें डिस्काउंट मिले तो हम फटाक से गपचिया लेते हैं उसको, तो उन्होंने भी यही किया, 10,000 रुपए जाके उनको दे दिए। देने के बाद क्या हुआ, उनको अगले दिन कॉल किया, भैया हमारी भैंस तो नहीं पहुंची। उनने कहा देखो भाई साहब ऐसा है कि थोड़े पैसे और लगेंगे, 25,000 रुपए की डिमांड और कर दी। लेकिन यहाँ पर वो समझ चुके थे कि उनके साथ स्कैम हो चुका है, वो समझ चुके थे कि ये भैंस आने वाने वाली है नहीं, उन्होंने जाके सीधे थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी। तो ये तो थी पहली घटना जहां पर भैंस ऑर्डर की गई थी। दूसरी घटना जो कि गुरुग्राम के पंडाला से निकल करके आ रही, जहां पर 50 वर्षीय डेयरी फार्मर सुखबीर जी के साथ 22,000 रुपए की ठगी हो गई, क्योंकि वो भी ऑनलाइन गाय खरीदना चाह रहे थे। दरअसल उन्होंने भी ऐसा एक विज्ञापन देखा, YouTube पर एक वीडियो देखा, बकायदा डेयरी दिखाई गई, वहां तमाम सारी भैंसें बंधी हुई थी, उनकी खूबियां बताई गई, देखो भैया बहुत अच्छी नस्ल है, देखो भैया इतनी दूध देती है, देखो भैया इतनी साफ सुथरी है, और बढ़िया सा वीडियो बनाकर के उनको चिपका दिया गया। साथ में उनको कीमत बताई गई कि एक जो गाय है उसकी कीमत है 35,000 रुपए। अब सुखबीर जी को चाहिए थी चार, तो उन्होंने कहा भैया चार की डील बताओ, तो चार की डील हुई 95,000 रुपए की, यानी कि अगर एक गाय 35,000 रुपए की है तो चार गाय कितने की होती है, 1,40,000 रुपए की। लेकिन उनको डील अच्छी लगी, अब 45,000 रुपए इसमें बच रहे थे, उन्होंने कहा ठीक है भैया ये गाय तो हमको चाहिए। अब यहां पर क्या हुआ, स्कैमर ने सबसे पहले उनसे 8,000 रुपए ट्रांसफर करा लिए। अब 8,000 रुपए ट्रांसफर कराने के बाद सुखबीर जी ने फिर से कॉल किया और कहा भैया गाय कहाँ है, तुम्हारी तो कोई खबर ही नहीं लग रही है। सामने वाले ने बताया कि गाय ऐसे ऐसे फिरोजपुर जिरका से आने वाली है, तो कुछ ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा। इस तरह से चार अलग अलग किस्तों में उनसे 22,000 रुपए ले लिए गए। और उसके बाद क्या किया गया, फोन बंद कर दिया, रिस्पॉन्ड देना बंद कर दिया। जब उनको लगा कि पूरी रकम नहीं मिल पाएगी, तो स्कैमर ने अपना नंबर बंद करके उनको पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। तो सुखबीर जी ने जो है थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई, 419-420 धारा में रिपोर्ट दर्ज की गई है, और जो पुलिस है उन्होंने वो सारे अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया है और पैसों की रिकवरी के लिए बैंक को लिख दिया गया है। तो ये तो था गाय और भैंस खरीदने का मामला। इसके अलावा भी तमाम सारे स्कैम, जब आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो बहुत सारे कुत्तों को खरीदने को लेकर, बिल्लियों को खरीदने को लेकर के, इगुआना को खरीदने को लेकर के, तमाम सारे जो जानवर और पक्षी जो ऑनलाइन मिलते हैं, इनमें भी इस तरह के स्कैम्स बहुतायत में पाए जा रहे हैं। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पर तमाम इस तरह के विज्ञापन चलते हैं जहां पर ये स्कैमर छोटी छोटी राशि एडवांस में लेते हैं, ताकि 8-10,000 की ठगी हो और आप सोचोगे आप क्या कंप्लेंट करने जाओ, और अगर कंप्लेन करने भी जाओगे तो कितना सीरियस लोग लेते हैं इसको आप समझ सकते हैं। इसके अलावा भी तमाम सारे ऐसे प्राणी, ऐसे पक्षी जो कि बेचना इलीगल होता है, उसको भी लोग खरीद लेते हैं, और वहां पर क्या होता है कि आप तो उसकी शिकायत भी नहीं कर सकते हैं, इस वजह से आपको
पूरी तरह से बचना चाहिए इस तरह के डिस्काउंटेड डील को लेकर के, एकदम से एक्साइटेड नहीं होना चाहिए। हालांकि इनका जो प्रेजेंटेशन होता है वो इतना रियलिस्टिक लगता है क्योंकि ये आपको पर्सनल व्हाट्सएप पे वीडियो भेजते हैं, आपसे बात करते हैं, कई बार आपको कन्विंस करते हैं, सारी विशेषताएं बताते हैं, बहुत ज्यादा उत्सुकता नहीं दिखाते बेचने को लेकर के, और एक बड़ी डिस्काउंटेड डील आपको मिल जाती है। आपको दिखाते हैं कि वो बहुत बड़े बिजनेसमैन है, उनका इंटरनेशनल व्यापार है, बाहर से खरीदते हैं बेचते हैं और बहुत सालों से वो बिजनेस चल रहा है। इस वजह से क्या होता है, आप धोखे में आ जाते हो और आप उनको कुछ एडवांस राशि दे देते हो। तो आपको क्या करना है भैया, इन सब चीजों से बच के रहना है। तमाम सारी इलीगल चीजें ऑनलाइन बिक रही हैं आज के डेट में, सेक्सुअल प्लेजर को लेकर के बहुत सारी चीजें प्रमोट की जाती हैं क्योंकि उनको पता है कि ये चीजें इलीगल हैं, आपने पैसा दे दिया है, आप इसकी शिकायत करने जाओगे ही नहीं। तो ऑनलाइन शॉपिंग करो, डिस्काउंट डील्स मिलती है उनको भी कपचियाओ, लेकिन बहुत सावधानी के साथ। तो आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। अगर आप इस तरह के किसी भी ई कॉमर्स फ्रॉड में पड़े हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा ताकि जनता को भी पता चले कि ऑनलाइन कौन सी चीजें हैं जिनको खरीदते समय आपके साथ स्कैम हो सकता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और दोस्तों रिश्तेदारों तक इस तरह की वीडियोस को भेज दिया करो यार, थोड़ा सा भला किसी और का भी हो जाएगा। चलिए वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।